यार कंट्रोल के मौजूद साथियों, आशुरा के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है और इस रोज़ा की बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को देखा कि वो यौम आशुरा का रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि ये कैसा दिन है कि जिसमें तुम लोग रोज़ा रखते हो। तो यहूदियों ने कहा कि ये वो अजमत वाला दिन है जिसमें अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उनकी कौम को फिरौन से निजात दी और फिरौन को उसकी कौम के साथ दरिया में डुबो दिया। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए ये रोज़ा 10 मुहर्रमुल हराम को रखा था, इसीलिए हम भी रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलातु सलाम के मामले में तुमसे ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा आपने आशुरा का रोज़ा रखा और अपने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को भी आशुरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। और दूसरी हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो आशुरा के रोज़े को पिछले साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका से इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि जो भी आशुरा का दिन का रोज़ा रखेगा उसके पिछले एक साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। इसी तरह एक और रिवायत में है, जो रिवायत हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशुरा के दिन रोज़ा रखा और उसके रोज़ा का हुक्म फरमाया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो वो दिन है जिसकी यहूदी और ईसाई ताज़ीम करते हैं, तो हम क्यों करें? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर साल आइंदा इस दुनिया में ज़िंदा रहा तो मैं नवी मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। इसलिए फुकहा इकराम फरमाते हैं कि मुहर्रम की नवी और दसवीं दोनों दिन रोज़ा रखा जाए। दोस्तों, आज के हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों, अहबाबों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और नए आने वाले हमारे दोस्त हमारे चैनल ERK नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ का सिलसिला जारी रखा जा सके।